यो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? बाय द वे, तो मैं आज जा रहा हूँ एक शादी में, लाइक क्वारंटीन वाली शादी. तो अच्छा, कंटेंट भी अच्छा है और बाजू वाली की शादी तो जाके आते हैं. एंड सी, ये कपड़े मैंने पूरे कपड़े लाइक कम से कम 3 महीने बाद पूरे कपड़े पहने. इसके पहले मैं अपने घर पे अंडरवेयर पे हाफ चड्डी पहन रहता था. साउंड्स क्रीपी बट ऐसे ही रहता था. तो बात अलग है. तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं ये कोरोना में वेडिंग कैसी होती है करके. एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त राज शिंदे के पास कैमरा लेने के लिए. देखते भाई जागा एक ही नहीं, फिर कैमरा लेके शादी में चले जाऊँगा. और फिर आपको थोड़ा और कुछ बताना है मेरे को, बता दूंगा. तब तक के लिए देखते रहिएगा. ओके, भागिए भागिए मत कहीं पे. ये आ गया दोस्त हमारा राज. अच्छा खासा लेट करने वाला है मेरे को. ये 11 बजे की शादी है, अभी तेरे कैमरे लेने हैं. 11:30 बजे 10:30 बजे दोस्तों बेसिकली भी शादी का कैसा शॉट हो गया कि पहले ना मतलब जितना टाइम लेट आओ जितना लोग बहुत से लोग खाने के टाइम पे आते थे. अभी खाने के टाइम पे आना, अभी खाना मिलना ही मुश्किल हो गया है शादी के टाइम पे. क्या बोलते बैठे मन लगने लगा खाएला माला पन्ना में थे ते पहला ही शादी देखते कैसा है करके क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हाँ अभी तो कैमरा लेके आ रहा हूँ. बैटरी है ना, मुझे पता है लेके गया मस्त बैटरी. तो दोस्तों अभी बेसिकली हुआ क्या मालूम है कि बहुत से लोग जो है पहले कैसा था कि शादी के टाइम पे जाओ कोई कुछ बोलता नहीं था और आराम से खाना पीना खा के पब्लिक प्रेजेंट पैकेट देके बढ़ जाती थी. बट अभी सीन कुछ चेंज हो गया. अब सिर्फ 15 लोग ही आ सकते, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते. एक भर्जी रहेगा और बाकी के साथ साथ एक फैमिली के साथ उस फैमिली के साथ. तो यही सीन है, बाकी कुछ नहीं. और मैं पता नहीं अपने बाल कटे हुए जो गायब हो चुके हैं आधे से ज़्यादा, वो उनको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो बहुत अजीब लगा भाई जब से घर से बाहर निकला हूँ. लाइक पूरा मैं पूरा लॉकडाउन अच्छे से पथ्य पाला उसका. एंड पथ्य पाला तो मैं लॉकडाउन को अच्छे से मतलब पाला. और आज जो खुला है तो सोचा थोड़ा बाहर घूमता हूँ. तो मतलब बाहर घूमना मतलब ऐसा नहीं अननेसेसरी नहीं घूम रहा हूँ, शादी उसके लिए जा रहा हूँ. नहीं तो बोले कि भाई तो पकड़ घूम रहा है. दूसरी बात ये कि अभी जब आ रहा था रास्ते से बड़ा अजीब लग रहा था, लिटरली बहुत ही अजीब लग रहा था. ऐसा लग रहा था मतलब बोलते ना कहीं मिशन पे आ गए, कोई अलग से प्लेनेट पे आ गए, ऐसा लग रहा था. इसके घर पे भी आने के लिए ना अजीब लग रहा था, मतलब जाऊं कि नहीं जाऊं. और लोग जो मतलब देखो इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग तो है, मेंटेन कर रहे बहुत से लोग, लेकिन लोग क्या कर रहे ना कंधे पे हाथ डाल के चल रहे. दिस इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग. इतना दूर रहो दोस्त, कितना इतना कैमरा मिल गया तो इसको थैंक्स बोल दो, इसको सब्सक्राइब कर दो भाई, 700 पहुंचा दो भाई को. 700 बहुत बहुत क्लोज है. नींद में भाई साहब. अभी हम पहुंच चुके मंदिर में. ये जो मंदिर है यहाँ पे शादी होने वाली है बेसिकली. बिकॉज पहले तो था हॉल बुक किया था बट ये उसके वजह से हॉल कैंसिल और मंदिर में आना पड़ा. मंदिर में पहुंच गया लेकिन जो शादी वाले तो अब तक पहुंच ही नहीं पाए, पता नहीं किधर रह गए हैं. आई होप सो जल्दी आ जाए एंड फिर हमारा काम चालू हो. अभी जो शादी है वो खत्म हो चुकी है और वापस आ चुका हूँ. और जो ये वाली शादी थी ना थोड़ी अलग थी. लाइक कैसा नॉर्मल शादी में धूमधाम यू नो बारात आती है, खाना पीना बराती, ये लड़के वाले लड़की वाली है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते रहता है. बट यहाँ पे ना बहुत ही कम रखा था. लाइक नॉर्मली जो कैसा था कि बोलते हैं ना
अक्षता जो फेंकते हैं यानी कि चावल फेंकते हैं, उसके बाद अपना जो फेरी मारते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो नॉर्मल स्टफ वहाँ पे था। बट कैसा है कि कुछ मंगल अष्टका जो होती है मराठी लोग में, पता नहीं इसको क्या बोलते हिंदी में, सो वो जो गाते हैं वो पहले कैसा था, सब फैमिली वाले आते हैं गाते हैं, मजा आता है इसमें एंड यू नो, और वहाँ पे डेकोरेशन रखा रहता है सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो रहता है वो था ही नहीं बिल्कुल। पंडित था, पंडित आया अपना मंत्र बोला जितना था उतना, मतलब सबसे छोटी शादी बोलते ना लाइक एक घंटे के अंदर पूरा प्रोग्राम खत्म है। नॉर्मल हिंदी से शादी होती है वो चलती है 5-6 घंटे तक, मतलब लोग आते हैं खाना खाते हैं प्रेजेंट देते हैं चले जाते हैं, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। और क्योंकि मैं अपना दोस्त राजचंद ने अपने कैमरा दिया अच्छा टाइम पे और फोटो निकाल पाए। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहता था कि अगर आपको किसी को शादी करनी है तो भाई ये टाइम पे थोड़ा बाद में करो, बिकॉज ये भाई की शादी थी अप्रैल में फिक्स है और वो अभी कर रहा है, और ये जो है जुलाई, अगर आपको करना है शादी तो भाई जुलाई महीने में करो, तब तक परमिशन भी आएंगे। नॉर्मली अभी जो था ना वो कैसा था, 30 लोग की थी जब भाई ने किया था ना, तो उसको उसको 30 लोग की परमिशन मिली थी करके, और अभी जो है वो 50 लोग तक की परमिशन बढ़ा दी गई है। ऑन दी अदर हैंड जो पद्धति थी वहां बैठने की, नॉर्मल कैसा था हम लोग यहाँ वहाँ बैठते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यहाँ पे ना फिक्स चेयर दी थी, इधर ही बैठना आपको, इधर ही बैठना, इसके आगे कोई जाएगा नहीं। और फिर जब प्रोसेस चालू था तो 12 पुलिस वाले आ रहे थे, देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि लोग ज्यादा है कि नहीं, सेफ्टी मैटर्स यू नो। सो उसके बाद पुलिस आए, देखे, चले गए एंड थोड़े बहुत फोटोज निकाल लिए मैंने, ज्यादा भी नहीं निकाले, पर मेरा पहला वेडिंग शूट था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस मैं अभी कंक्लूड करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग माय ब्रदर विशाल पांचाल एंड हिज वाइफ, मैं उसका वाइफ का नाम नहीं जानता सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, कर दो यार प्लीज।